I moved to Gurgaon last year for my job and I was searching for a house out there. और मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, लाइक सो मिडिल क्लास कि जब बचपन में भी पापा पूछते थे ना कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे, तो मुँह से निकलता था किराएदार. तो मुझे घर चाहिए था, तो मैंने अपना बुलेट उठाया और घर ढूंढने निकल गया. जिस घर के बाहर टूलेट लिखा था वहाँ जाके बेल मारी. आंटी बाहर आए बड़े प्यार से, कहती हाँ जी बेटा क्या चाहिए. मैं कहा आंटी वो घर देख रहा था. बेटा बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ. मैं कहा वाह यार गुड़गांव में तमीज़ भाई. बेटा कितना एरिया चाहिए तुम्हें. मैं कहा आंटी 2 BHK चलेगा. हाँ हाँ बेटा बिल्कुल सही घर में आए हो, एक सेकंड रुकना. अरे सोनिया बेटा चाय ले आओ फटाफटा, वो घर देखने आए थे. आई एम लाइक वाह सही, आंटी की ममता जाग रही मुझे. बेटा बजट कितना तुम्हारा. मैं कह आंटी 25,000, कोई टेंशन नहीं. हाँ बेटा बिल्कुल सही घर में आए हो, एक सेकंड रुकना. अरे सोनिया बेटा चाय ले आओ फटाफट, जल्दी देर हो रही है उनको. लाइक सही यार, काफ़ी होमली फीलिंग है ये तो. बेटा साथ में कौन है, वाइफ फैमिली. मैं कह नहीं आंटी बैचलर. बेटा चाय रह नहीं देना यार. और सोनिया तुम भी अंदर है ना. हाँ एंड सडनली कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन. कह रही बेटा बैचलर को घर नहीं देते हम लोग. ये क्या बदतमीजी है भाई. अब मैं वो आदमी हूँ जो 6 घरों से ना सुन के आ चुका हूँ बिकॉज ऑफ द सेम रीजन. लाइक मेरे अंदर इतना गुस्सा होना स्केल ऑफ सचिन टू विराट कोहली में भज्जी लेवल पहुंच चुका हुआ था. आई काउंटर्ड हर. मैं क्या आंटी बैचलर को घर क्यों नहीं देते. कहते नहीं बेटा बैचलर ना लाउड म्यूजिक बजाते हैं, बहुत लाउड म्यूजिक. मैं क्या आंटी बैचलर है बहनचोद, डीजे थोड़ी है. और ऐसा तो नहीं है कि EDM बजा के बोलेंगे आंटी ड्रॉप आने वाली है. आते जाते तुम्हारे पति को नहीं बोलेंगे अंकल पुट योर हैंड्स अप इन द एयर. और माना माना पंजाबी लोग छत को कोठा कहते हैं, हम बना थोड़ी देंगे. आंटी नहीं मान रही भाई. कह रही नहीं बेटा बैचलर को देना नहीं. मैं कहा दिक्कत क्या है आंटी. कह रही नहीं बेटा बैचलर ना रात को शोर शराबा करते बेटा बहुत. मैं कहा आंटी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो यार. रात को बैचलर से शांत आदमी कोई नहीं होता. देखो बैचलर होते हैं 2 तरह के, या सिंगल या कमिटेड. जो सिंगल होते हैं वो लैपटॉप एयरफोन लेके कोना पकड़ के बैठे होते हैं. आपको क्या लगता है रात को डाउनलोडिंग स्पीड इतनी कम क्यों आती है. और जो मुझे से कमिटेड होते हैं वो बंदी के साथ बात करने के लिए कोना ढूंढ रहे होते हैं. मैंने खुद कई बार किचन के शेल्फ पे बैठ के बात करी है सर्दियों में. भाई साहब पिछवाड़ा सुन हो जाता है. एंड यू नो बैचलर के घर में शांति की होती है बिकॉज हमारा मैन टू मैन रूल होता है. एक मेरा लाइफ में बहुत सिंपल रूल है कि अगर तुम्हारा रूममेट बंदी के साथ बात कर रहा है फोन पे कमरे के अंदर और लाइट ऑफ है, कभी अंदर नहीं जाते. क्योंकि सिंपल सी बात है यार, कोई भी आदमी ऐसी कोई चीज देखना नहीं चाहता जैसे भुलाना मुश्किल हो जाए. आंटी मान ही रही. कह रही नहीं बेटा बैचलर को तो घर देना नहीं. मैं कहा दिक्कत क्या है आंटी लाइफ में. कह रही बेटा पिछली बार बैचलर लड़कों को घर दिया था, जब छोड़ के गए हमने सफाई करवाई, छी 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 क्या गंदी गंदी चीज़ें मिली ऊपर से, शराब की बोतलें, लड़कियां आ रही हैं, लड़कियां जा रही हैं, तरह तरह की आवाज़ें आ रही हैं. मैं आंटी तमीज से बात करूँ उसे, ठीक है घर नहीं देना मत दो, जलाओ तो मत. एंड व्हाट इज द होल पॉइंट अबाउट लड़कों को घर नहीं देना, बिकॉज दे माइट ब्रिंग गर्ल्स एंड माइट हैव सेक्स. But they are giving it to married couples who are definitely having sex. And तुम्हें लगता है घर मिल जाएगा लाइफ सॉर्ट हो जाएगी, नहीं होती. मेरे को लगा आंटी शक्की है, अंकल ठीक होगा. अंकल अलग लेवल का पॉजिटिव यार. मकान मालिक का काफी लाइक वो अंकल होते ना काफी पॉजिटिव होते लाइफ के बारे में. लाइक उनको लगता है मोहल्ले में कहीं चोरी होगी मेरे घर में होगी. अरे वो अंकल नहीं होते यार, शक्की अंकल. जाली वाले दरवाजे पे 3 कुंडियां, फिर लकड़ी वाले दरवाजे पे 3 कुंडियां. उनसे बात करने जाओ जब तक कुंडियां खुलती सारी बात ही खत्म हो जाती है. फिर भी अंकल इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट सिक्योरिटी के बेटा बाहर लोहे का दरवाजा उसको लॉक रखा करो. पैंगल बात सुनो, वो लोहे के दरवाजे और 6 कुंडियों के बीच में 4 गमले पड़े हैं. जो गमले किसके चोरी हुए आजकल. जस्ट इमेजिन 2 चोर बात कर रहे हैं. अबे तू क्या लाया, 1 सोने की चेन और 1 TV और तू 3 मनी प्लांट 2 बोगनवेल.